ओन चैनल आरजे मधुरा, बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। ब्रेकअप सिचुएशन है, उस पर सेपरेशन, उस पर शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ऐसे में आपके पर्सन क्या क्या महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे वो बात करते हैं नहीं करते हैं, कॉन्टैक्ट में है नो कॉन्टैक्ट में, इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग दे आर मिसिंग यू मैडली। फ्रेंड्स, कलेक्टिव रीडिंग होगी आज की कि आपके पर्सन किस तरह के इमोशनल टर्मोइल में से इस वक्त निकल रहे हैं ड्यू टू ब्रेकअप, ड्यू टू सेपरेशन और कई केसेस में तो नो कॉन्टैक्ट। तसल्ली से रीडिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, आपके पर्सन किस तरह के इमोशंस में से गुजर रहे हैं इस ब्रेकअप सिचुएशन में, फिर चाहे कॉन्टैक्ट है या नो कॉन्टैक्ट है। देखते हैं कार्ड्स आपको क्या बताते हैं आज। वाटर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन का इन्फ्लुएंस रीडिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी ये रीडिंग आपको 85% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी। सिचुएशन की इम्पोर्टेंस है, साइंस की नहीं। ये तो मेरे कुछ व्यूअर्स इंजिस्ट करते हैं, इसलिए मैं आपको साइंस बता देती हूँ। वैसे मेरी रीडिंग्स में सिचुएशन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। देखते हैं आपके पर्सन किस तरह के इमोशनल टर्मोइल में से इस वक्त निकल रहे हैं। टावर कार्ड आया है, अपने आप में सब कुछ बता दिया है। पूरी तरह से आपके पर्सन ब्रेकअप की वजह से खुद भी टूट चुके हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके पर्सन मुझे बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन नज़र आते हैं। आप दोनों की जो एक रूटीन थी, डेली एक दूसरे को मैसेज करना या डेली एक दूसरे को कॉल करना या एक दूसरे के साथ जो भी प्लानिंग आप करते थे डे टू डे बेसिस पे, उस चीज़ को आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, टेम्पररी ही सही, लेकिन असर तो उसका बहुत ज़्यादा होता है। जब टेम्पररी फेज में आप सेपरेशन में होते हैं तब तो बहुत ज़्यादा असर होता है सामने वाले पे। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है होने लगता है ठीक काफ़ी कुछ, लेकिन इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं है आपके पर्सन की लाइफ में, क्योंकि आप उनकी लाइफ में एक टाइम टेबल की तरह सेट हो चुके थे। उनकी जो वर्ल्ड थी, आपकी जो वर्ल्ड थी, उसमें सब कुछ एक प्री डिसाइडेड कंडीशन पे सब कुछ चल रहा था। एक दूसरे को इस टाइम पे कॉल करना है, एक दूसरे को इस टाइम पे ये याद दिलाना है, वो प्लान करना है, ये प्लान करना है, मतलब आप उनके टाइम टेबल में पूरी तरह से फिट थे। उनके लाइफ के डे टू डे टाइम टेबल में, रूटीन में आप पूरी तरह से फिट थे, और अचानक ब्रेकअप होने की वजह से आपके पर्सन को एक अजीब सा, एक ऐसी सिचुएशन है जिसको वो शायद हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल भी, बिल्कुल एक दूसरे को फ़ोन नहीं करना, बिल्कुल एक दूसरे से बातचीत नहीं करना, ये दिमाग पर असर करता ही है, इंसान के इमोशंस पे असर करता ही है। वो आपकी वो हर चीज़ जो उनको आपकी याद दिलाती है उसको वो गौर से इस वक्त देखते हैं, फिर चाहे आपकी सोशल मीडिया पे पोस्ट्स हो, फिर आपकी डीपी हो, आपकी पिक्चर्स, आपके साथ बिताया हुआ टाइम, वो सब कुछ उसको वो गौर से इस वक्त निहार रहे हैं, देख रहे हैं। उनका दिल भी करता है कि आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे कुछ कहें, लेकिन फिर पीठ दिखा देते हैं, क्योंकि अभी उनका ईगो बहुत ज़्यादा उनको अलाउ नहीं कर रहा है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। टूट पूरी तरह से गए हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, आप उनकी लाइफ के हर, उनके वजूद में, उनके टाइम टेबल में, उनकी रूटीन में, उनकी डे टू डे सिचुएशन में आप पूरी तरह से फिट थे। आपका टाइम टेबल सेट हो चुका था उनकी लाइफ में, जैसे उनका टाइम टेबल आपकी लाइफ में सेट था।
जो कुछ वो फेस कर रहे हैं आप भी फेस कर रहे होंगे, इसलिए आप बहुत बेहतर समझ सकते हैं कि वो क्या क्या फील कर रहे हैं। वो जानते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात तो फिट है, समझ है उनको इस बात की कि ये रिलेशन टूटेगा नहीं, बहुत जल्दी ये साइकिल फिर से शुरू होगी, उनको ये बात का पूरा पूरा फेथ है। इसलिए शायद वो चाहकर भी जो कहना चाहते हैं वो इस वक्त आपको नहीं कह रहे, क्योंकि उनका ईगो या हो सकता है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन हुई हो जिसमें गलती आपकी है, इसलिए वो चुप होकर बैठे हैं। वो चाहते हैं आप पहल करें, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, वो जानते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, सिचुएशन ऐसी होगी कि पहल वो करें या पहल आप करें, बात तो होने ही वाली है, पर फिलहाल उनको ये सही लगता है कि वो आपसे बिल्कुल बात ना करें। जो डिस्टर्बेंसेस उनकी लाइफ में, उनकी वर्ल्ड में, उनकी एक एग्जिस्टेंस में, उनके वजूद में आपसे बात नहीं करके या आपसे ब्रेकअप होने के बाद, आपसे सेपरेशन होने के बाद वो एडजस्टमेंट्स करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन फिर जैसे कि मैंने कहा, ईगो ऐसी चीज़ है जो इंसान को शायद कभी कभी गलत सलाह भी देती है, उनका ईगो ही उनको गलत सलाह देता है। लेकिन अगर ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है तो थोड़े दिन उनको ये कर लेने दीजिए, उनको थोड़ा वेट करने दीजिए, क्योंकि जब इंसान आपको अपनी एग्जिस्टेंस से ही इतना ज़्यादा मिस करता है, अपनी डे टू डे सिचुएशन में, लाइफ में आपका जो प्रेजेंस है वो अचानक एब्सेंस में जो बदल चुका है, उसको वो पूरी तरह से मिस कर रहे हैं, तो ब्रेकअप के साइड इफ़ेक्ट्स तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस वक्त। हर वक्त आपकी सोशल मीडिया पे वेट करना, आपको देखते रहना, आपकी पोस्ट्स को देखते रहना, हो सकता है कोई और फेक आइडेंटिटी से, ताकि आपको ना पता चले, और ये जो दूरियां हैं ये उनके मन को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही हैं, क्योंकि इसके बाद ये और फिर टावर कार्ड अपने आप में उनके दिल का हाल बयां करती है। बहुत ही बुरी इमोशनल हालत से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि इस वक्त ये क्लींजिंग भी ज़रूरी है रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप कभी कभी इतना टॉक्सिक हो जाता है, दो लोगों की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब मिलाते मिलाते रिलेशनशिप कभी इतना टॉक्सिक हो जाता है कि उसमें से आपको थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाना ही अच्छा है, जो कि आपके पर्सन समझ रहे हैं, और वो जानते हैं ये चीज़ों से रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा, रिलेशनशिप में खराबी कोई नहीं आएगी, ये फेथ उनको है। अगर ये फेथ उनको है तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा, लेकिन ये बात तो तय है कि अपनी लाइफ में से आपकी अचानक से जो ये एब्सेंस आ गई है उसको कंट्रोल करना, उसको फेस कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे उनका ईगो सबसाइड होगा, हो सकता है वो आपसे सामने से कम्युनिकेट करें, हो सकता है सही वक्त महसूस होने पे आप उनसे कर ले, हो सकता है कुछ सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट हो जाए कि आप दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप उनकी नज़र में टूटने वाला नहीं है। तो ये ब्रेकअप आपका टेम्पररी ही है, इसमें कोई भी परमानेंसी का सिक्का या स्टैम्प अभी नहीं लगा है। वो जानते हैं कि ये रिलेशनशिप इस तरह की क्लिंजिंग के बाद, कार्मिक क्लिंजिंग के बाद डेफिनेटली बहुत ही क्लियर होकर बाहर आएगा। ये जो टावर मोमेंट है इसका होना ज़रूरी है आपके पर्सन की नज़र में, और हो सकता है आपकी नज़र में भी, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम रीडिंग आपके पर्सन के इमोशंस की कर रहे हैं तो बात भी हम उनकी कर रहे हैं, हो सकता है ये सब चीज़ें आपके दिल में भी आ रही हो सकता है आपका ईगो आ रहा है, हो सकता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आ रही है, वैसे वर्षा भी ये फीलिंग्स हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये फीलिंग्स हम उनके ही नज़र से देख रहे हैं। बहुत दिल करता है उनको कि आपको बुला लें, आपको फिर से अपनी लाइफ के रूटीन और टाइम टेबल में फिर से कहीं जो आपने एक एब्सेंस बना ली है वो फिर से आ जाए, उनका दिल तो बहुत करता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, उनको ये भी ज़रूरी लगता है कि इस वक्त आप दोनों थोड़ी दूरी बनाएं, वही आप दोनों के लिए अच्छा है, पर उनसे ये सब हैंडल नहीं हो रहा है, उनको मुश्किल हो रही है, पर वो ज़िद में कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी वो रीज़न बताया, उनका ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ भी हो सकता है। आइए थोड़े और कार्ड्स निकाल के देखते हैं कि एंजल्स हमको क्या क्या बता रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर।
माय गुडनेस, बहुत ही सही कार्ड्स आए हैं कि आपके पर्सन अपना ईगो या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पकड़ के बैठे हैं, लेकिन उसकी वजह से वो कोई खुश तो नहीं है, डिप्रेशन में है, लेकिन फिर भी उनको होप है। जस्टिस कार्ड जैसे आया है, उनको अभी भी होप है कि आगे जाके ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो आपके पास आएंगे या आप उनके पास जाएंगे या कोई सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आप दोनों फिर से एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और जो भी अपने अपने दिल का उबाल है आप निकाल के इस रिलेशनशिप का क्लींजिंग कर देंगे। इसमें जो टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। यही चीज़ यहाँ भी आई है, ये आपको सोशल मीडिया पे निहारते रहते हैं या आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, आपकी दी हुई चीज़ें देखते रहते हैं, जिससे आपकी याद उनके दिल में और भी ज़्यादा गहरी बन के बैठ जाए, लेकिन अभी वो बुलाने के इरादे में नहीं है। अभी मतलब टेम्पररी, कुछ दिनों के लिए ज़रूरी है आप दोनों में ये चीज़ होना उनकी नज़र में। अगर वो ऐसा मानते हैं तो ऐसा होना चाहिए, हो सकता है आप भी ऐसा ही मानते हैं तो ज़रूर ऐसा होना चाहिए। डिप्रेशन में होने के बावजूद भी उन्होंने होप नहीं छोड़ी है, वो जानते हैं कि ये सब जो वो कर रहे हैं ये रिलेशनशिप के भले के लिए ही वो कर रहे हैं। तो ब्रेकअप का साइड इफ़ेक्ट तो ज़बरदस्त आपके पर्सन के ऊपर आया है, क्योंकि उनकी एक एग्जिस्टेंस में से आप कहीं माइनस से हो चुके हैं, जिसको एक्सेप्ट करना उनके लिए इस वक्त थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो एडजस्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि इसलिए एडजस्ट कर रहे हैं कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, वो इसलिए एडजस्ट कर रहे हैं कि इसमें और भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा प्यार हो, पॉजिटिविटी हो, जो टॉक्सिन्स है रिलेशनशिप के, जो टॉक्सिन्स है रिलेशनशिप के वो पूरी तरह से निकल जाए। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर बोथ ऑफ यू अहेड। ये टेम्पररी एक फेज है रिलेशनशिप में, जिसका आना भी शायद ज़रूरी था आपकी नज़र में भी, आपके पर्सन के नज़र में भी, लेकिन थोड़े वक्त में सब ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू। आप सबका प्यार बना रहे, आप लोगों की आपस की दोस्ती बनी रहे, यही मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट टू यू, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।